कोरोना महामारी व लॉकडाउन के बीच वीरवार को पानीपत डिपो की बसों को अलग अलग रूटों पर रवाना किया गया, लेकिन चंडीगढ़ के आदेश के अनुसार उत्तराखंड की ओर जाने वाली सभी बसों को रद्द कर दिया गया। आज सुबह मेरठ, बिजनौर, चंडीगढ़, गुरुग्राम, फतेहाबाद व कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बसों को भेजा गया है। इस संबंध में पानीपत डिपो के जिला इंचार्ज सतीश ने बताया कि बसों को रवाना करने से पहले सभी ड्राइवर व कंडक्टर्स को सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स व इम्यूनिटी को मजबूत करने वाली गोलियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर ही बसों में बैठाया जा रहा है। हमने आज सुबह पानीपत से शामली मेरठ के लिए वन बसेज को निकाला है, जिसमें 16 पैसेंजर गए। उसके बाद हमने 8:30 बजे गुड़गांव के लिए बस निकाल ली। उसके बाद हमने एक रोहतक के लिए भेजी, करनाल के लिए भेजी, और हमारी पीजीआई खानपुर के लोकल ग्रामीण जो सेवा है वो हमने एक गाड़ी भेजी। हमने पानीपत से बापोली, जो हमारा कवर करता ग्रामीण क्षेत्र, और हमने एक गाड़ी भेजी कुरार धनसौली के लिए, और एक गाड़ी जो हमारा गांव डिस्ट्रिक्ट पानीपत का अंतिम छोर में पड़ता है, जो यहां से 50 किलोमीटर की दूरी बनती है, सिंह पाथरी गांव, हमने एक सर्विस वहां पर देने का काम किया है। और एक हमारी जो महत्वपूर्ण जो हमारी राजधानी चंडीगढ़ है, हमने एक बस यहां से निकाल ली है, उसमें मेरे ख्याल से 25 के आसपास जो पैसेंजर गए वो चंडीगढ़ हमने रवाना किए। लॉकडाउन की वजह से बंद थी ना, क्योंकि बीमारी फैली हुई थी, तो अच्छी बात थी, वो भी डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है, अब खुली है तो अच्छी बात है, तो अच्छा लग रहा है। बस स्टैंड पे आप किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? अच्छी व्यवस्था है, अभी तक तो कोई बगैर मास्क के नहीं आया है। बसों में भी सैनिटाइजर दे रहे हैं, हमारे को ग्लव्स मिल रहे हैं, और सवारियों को भी हम पहले चेक कर लेते हैं भाई, उनका जो भी है टेम्परेचर वगैरह है वो सब कुछ चेक करके बिठाया जाता है। सबसे पहले सैनिटाइजर वगैरह उनको भी किया जाता है, बसों को भी सैनिटाइजर किया जाता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।